जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेग्स की, सैटरडे लेग्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सैटरडे को लेग्स क्यों मारते हैं? सबसे पहली क्वेश्चन ये आती है दिमाग में कि हम शनिवार को ही लेग क्यों मारते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि संडे रेस्ट पड़ता है, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में सबसे बड़ा मसल्स क्या है? बैक के बाद लेग्स, बैक के बाद हमारा बॉडी में सबसे बड़ा मसल्स है लेग, तो इसीलिए ज़्यादा उसको रिकवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम सैटरडे को मारते हैं क्योंकि संडे हमारा रेस्ट पड़ जाएगा, ज़्यादा रिकवर होगा और मसल्स गेन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि लेग्स में चार ही वर्कआउट करना है आपको। वैसे वेरिएशंस बहुत है लेकिन दिमाग में लगा ले कि चार ही वर्कआउट होती है। कॉड स्क्वाट मसल्स, जिसको हम स्क्वाट से मारते हैं, नॉर्मल स्क्वाट जस्ट लाइक इस तरह, ठीक है, नॉर्मल स्क्वाट्स, ठीक है, और स्क्वाट्स जो मैं आपको मार के दिखाऊंगा, और तीसरा है इसके साथ लेग प्रेस मशीन। जैसे कि आप वहां पर देख सकते हैं, मैं जाके आपको दिखा दूंगा। एक मसल तो ये हो गया कॉर्ड स्क्वाट्स, स्क्वाट्स के द्वारा। दूसरा है हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग ये पीछे वाली मसल्स को हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। राइट, तीसरा है ग्लूट्स, ये जो हमारा बट्स गोल गोल, इसे हम बोलते हैं ग्लूट्स। और चौथा है काप्स। चार ही तो मसल्स है भाई, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने समझ गया कि सैटरडे को क्यों मारते हैं लेग्स, और सैटरडे को अगर मारना है तो इसमें चार ही मसल्स है और हर मसल्स को तीन चार वेरिएशन से करेंगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे स्क्वाट्स से। तो मैं आपको पहले मार्क दिखाऊंगा नॉर्मल स्क्वाट्स, जो हमारे बिगिनर्स भाई है किस तरह मारना चाहिए। ऑलराइट, कुछ हाथ को इस तरह रख सकते हैं आप, ठीक है, 90 डिग्री एंगल में आपको बैठना है, पूरा नहीं बैठना है और हाफ भी नहीं रहना है। फुल रेंज ऑफ मोशन। ऑलराइट, 1 2 ये इसे आप डंबल से भी मार सकते हैं, डंबल की पोजीशन बिल्कुल इस तरह रहेगी, कैरी करना है इसको। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ होल्ड कर देते हैं, भाई इसे छोड़ो, भाई छोड़ो इसे, बिल्कुल इस तरह शोल्डर को बिल्कुल डाउन करनी है। ये आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन, सही पोस्चर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री बैठनी है, पूरा नहीं बैठना है। ऑलराइट, ये था हमारा नॉर्मल स्क्वाट और डंबल से। अभी मैं मारूंगा नेक्स्ट स्क्वाट, डन। अब ये हमारा है स्क्वाट, और स्क्वाट और स्क्वाट में मारूंगा स्क्वाट मशीन से, वेट लगाकर, एक मॉडरेट वेट, हमेशा जो वेट है आपका मॉडरेट वेट रहेगा, हैवी वेट नहीं, ईगो वेट नहीं। अब स्क्वाट जब मारेंगे आप, आपका एक हेल्पर, एक असिस्टेंट पीछे रहेगा सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। तो मैं आपको अपोजिट मार के दिखाऊंगा क्योंकि मेरा कैमरा सामने है, इसकी जो सही पोस्चर है मेंटेन करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, अब कई लोगों की कंफ्यूज होती है कि पैर की टो किस तरह रखनी है, इस तरह रखनी है। अब स्क्वाट मार रहे हो और सामने टो रख रहे हो, ये लंजेस स्क्वाट हो गया। ऑलराइट, दिस इज लंजेस स्क्वाट, ये देखो ये नहीं हो रहा है। अब पैर की टो रहेगी बाहर की ओर, ये हल्की बाहर रहेगी, ज्यादा चौड़ा नहीं, भी सुमो स्क्वाट हो गया वो, ठीक है। हमें कॉर्ड स्क्वाट मारनी है, बिल्कुल सिंपल रखनी है पैर को, एक मीडियम आकार में। अब कई लोग का कहना है कि बॉडी स्ट्रेट, स्ट्रेट मारूंगा तो मैं सीधा जमीन में चल जाऊंगा। ऑलराइट, सीधा स्ट्रेट नहीं रखना है, मैंने कंधे पे रख लिया, अब इसका बॉडी हल्का बेंड करना है, आधा एमएम, आधा इंची, ये देखो रखते हुए मैंने बेंड कर दिया। अब मैं सीधा कब होऊंगा, जब हमारी रिपिटेशन कंप्लीट हो जाएगी तब। वन, देखो मैंने बॉडी हल्का बेंड रखा है, सीधा नहीं, बेंड। टू, थ्री, फोर, 12, 13। अब बॉडी को सीधा करना है ऐसे। तो ऐसा था हमारा ये स्क्वाट। अभी मैं नेक्स्ट मारूंगा हैमस्ट्रिंग। डन। दोस्तों अब मैं मारूंगा हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग की पोस्चर क्या होगी देख लो, कभी भी बार, आपकी जो बार है, आपकी जो पैर की टो है, उस पे खड़ा होना चाहिए। ये मेरा टो रहा, आपका बार रहा, बार से अंदर की नहीं, बार को ज़्यादा बाहर भी नहीं, एक पैर के टो की, जो हमारे पैर की जो पंजे हैं, अंगली है, उसके ऊपर हमारा बार रहना चाहिए। ये देखो, ऑलराइट, सीधा खड़ा हो गया बिल्कुल। बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल बेंड नहीं, स्ट्रेट। अब ये देखो, हम गिनती से करेंगे,
पहले हमें वापस चल के आया, नंबर वन, नंबर टू, ये देखो नंबर थ्री, और नंबर फोर से हमारी जो है स्टार्ट होगी हैमस्ट्रिंग वर्कआउट। ये वन टू, इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है कि हम इसे रखेंगे नहीं जमीन पे, पटकेंगे नहीं। अगर मैं पटक दिया, रख दिया, तो हमारे डेडलिफ्ट में इंक्लूड हो जाएगा वो, तो हैमस्ट्रिंग में नहीं होगा। रख दिया तो वो रिलैक्स मूड में चला गया। हमें एक स्ट्रेच चाहिए, एक खिंचाव, जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ये वाली मसल्स, इसमें खिंचाव चाहिए। तो ये कब होगा, जब हम होल्ड करके रखेंगे तब जमीन को टच नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा के सही पोस्चर करके दिखाता हूँ। ये वन, ये देख लो बिल्कुल स्ट्रेच हो रहा है मेरा वो, टू, थ्री, फोर, पैर की घुटना बाहर नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, पैर की जो हमारी घुटना है नी बिल्कुल सामने की ओर। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो रिपीटेशन वही रहेगा आपका, एक मॉडरेट वेट रिपीटेशन, 10 से 12 रहेगा, सेट रहेगा 3। अब मैं नेक्स्ट मारूंगा, ओके डन। ओके नेक्स्ट हमारा है डंबल से हैमस्ट्रिंग। डंबल से हैमस्ट्रिंग किस तरह मारनी चाहिए, मैं आपको सही पोस्चर, इसका क्या डेफिनेशन है, मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डंबल को रख दिया, ज़्यादा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिम में अकेले हो, कोई सपोर्टर नहीं है, तो आप इसे अकेले कर सकते हो। डंबल को किस तरह रखनी है देख सकते हैं आप। अब मैं क्या करना है, जो डंबल की जो पंचिंग पे है, इस पर हमारे पैर को घुसा देना है। ओके बिल्कुल हमने सेट कर दिया, पहले फर्स्ट में इसे करना है। अब शुरू करना है हमारा डंबल से हैमस्ट्रिंग। ये ठीक है, ये वन टू, पैर की जो नी है स्ट्रेट रहेगा, बाहर की नहीं, ओके स्ट्रेट। थ्री फोर, कोशिश करें जो हमारा नेक है, गर्दन हमारा ऊपर क्यों रहेगा, ये इस तरह, इसमें शीशे देखने की कोई जरूरत नहीं है। इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, ओके इस तरह होल्ड करना है, यहां तक, नीचे नहीं, यहां तक। रिपीटेशन आपका हो गया 10 से 12 13, ठीक है उसे आप रख देंगे, रिपीटेशन वही रहेगा 10 से 12, सेटअप रहेगा 3। ओके ये था हमारा डंबल से हैमस्ट्रिंग। अभी मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा ग्लूट के लिए, ओके डन। ओके अभी हमारा है ग्लूट, जो हमारी जो बट है, ये हमारी गोल है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जींस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारा जो ये नीचे जाता है, ओके तो उसकी ग्लूट की एक्सरसाइज बहुत ही कंपलसरी है, ग्लूट की एक्सरसाइज करना चाहिए। ऑलमोस्ट क्या होता है जिम में, स्टूडेंट जो है हैमस्ट्रिंग स्क्वाट काफ्स मार लेते हैं, ग्लूट पर ध्यान नहीं देते, शायद उन्हें पता नहीं है या फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। तो उसे इग्नोर ना करें, ग्लूट की एक्सरसाइज पक्का करें। किस तरह माननी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट एक मॉडरेट वेट रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ रख दिया, और जब मैं उठूंगा तो हमारा ये नी कमर और शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए। सपोज दैट मैं अभी खाली मार रहा हूँ, वन देख लो, वन टू थ्री, एक लाइन में होना चाहिए, ओके वन टू, ये इस तरह बिल्कुल, ये हमारा कमर स्ट्रेट होना चाहिए, बैंड नहीं, ओके। अब मैं प्लेट के साथ मार के आपको दिखाता हूँ फुल रेंज ऑफ मोशन, सही पोस्चर ग्लूट के लिए, ओके। कोई नहीं है तो मैं इसे अकेले उठा लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट आप इसे किसी बडी की हेल्प से, पार्टनर की हेल्प से इसे कर सकते हैं, ओके। पहले पोस्चर मेंटेन करेंगे, पैर की टो बाहर की ओर, पंजे जो है, ओके ओके। अब शुरू करता हूँ, वन टू थ्री, देख सकते हैं आप हमारा नी कमर शोल्डर एक लाइन में है। ऑलराइट फोर फाइव सिक्स सेवन ट्वेल्व, ओके आपने रिपीटेशन ले लिया 10 से 12 रिपीटेशन रहेगा, सेट रहेगा 3। बट आपकी जो पीछे रहेंगे एक लड़का आपका हेल्प के लिए, ओके। अभी मैं नेक्स्ट करके दिखाऊंगा काप्स के लिए, डन। ओके अभी नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा स्मिथ मशीन के साथ काप्स, जो हमारा काप्स मसल है, ये काप्स, इसके वर्कआउट किस तरह करनी चाहिए, ओके। मैंने एक मॉडरेट वेट रख दिया जो मेरी लाइक है, जिसे मैं उठा सकूंगा। आपके पास अगर इसमें कोई पीढ़ी है लकड़ी की या प्लास्टिक की, उसे आप रख सकते हैं जिम में। ऑलराइट
पैर को ज़्यादा आगे नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं, ये तब गिर जाओगे ये। ओके, बिल्कुल आप उसे ऊपर जाना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है। बिल्कुल मैंने स्ट्रेट हो गया, डाउन, 1 2 3। देख सकते हैं आप काफ्स में मेरी जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, देख सकते हैं आप, 4 6 बिल्कुल ऊपर, 7 बिल्कुल हमारी जो काफ्स मसल पे टॉर्चर हो रहा है, मसल्स को अगर हम मसल्स को टॉर्चर करेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट होगा, रेस्ट करना नहीं उसे, ये ओके, बिल्कुल ऊपर, ये 11 12 13। ओके, ये था हमारा स्मिथ मशीन से, ये था हमारा स्मिथ मशीन से काफ्स के वर्कआउट। अभी मैं दिखाऊंगा डंबल से काफ्स किस तरह करनी चाहिए। ऑलराइट, एक मॉडरेट वेट हमेशा रखेंगे। देखो आप, मैं डेमो दे रहा हूँ किस तरह, ठीक है, ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना है क्योंकि छोटा मसल्स है, इसको आप टॉर्चर करोगे सप्ताह में 2 दिन तो काफ़ी इंप्रूवमेंट जल्दी दिखेगी आपको। 1 2 बिल्कुल होल्ड, 3 4 देख सकते हैं आप, 5 6 होल्ड करना है, जिस तरह पंजे पे पैर की जो हमारी अंगली है बड़ी वाली उस पर टिक जाना है, 11 12 इसे मैंने रख दिया। तो ये थी हमारी सैटरडे की लेग की वर्कआउट, मैक्सिमम सारा वर्कआउट मैंने आपको दिखा दिया। आई होप, कोशिश करेंगे कि हफ्ता में कम से कम 2 दिन आप लेग करोगे। हफ्ता में 2 दिन लेग करने से क्या है, आपकी जो मसल्स गेन भी होगा, बॉडी इंप्रूवमेंट होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप होगा, ठीक है, और आपकी बॉडी मेन फिजिक अच्छी होगी। तो कोशिश करेंगे सप्ताह में 2 दिन लेग वर्कआउट करने की। अगर वीडियो पसंद आया तो थैंक यू, सब्सक्राइब के लिए थैंक यू।